मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहूंगी कि आज आपका खौफ दिख रहा है, आज आपका डर दिख रहा है, आज पूरे देश को दिख रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, पूरे देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही काल है वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से डर नहीं लगता है, कांग्रेस पार्टी से डर नहीं लगता है, विपक्ष के और नेताओं से डर नहीं लगता है, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और इस खौफ की वजह से रोज 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 झूठे केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर करे जाएंगे। अभी तक पिछले 8 सालों में 200 से ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं आज आपको लिख के दे रही हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज रहे हैं, आने वाले समय में झूठे केसेस में हमारे सारे और नेताओं को भी जेल भेजेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहूंगी कि दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, दुनिया का इतिहास आपको चेतावनी दे रहा है कि जब भी आपने सच्चाई को दबाने की कोशिश करी है, जब भी आपने जनता के लिए काम करने वालों को दबाने की कोशिश करी है, तो पूरी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि सच्चाई और मजबूत होती है, सत्य के लिए लड़ने वाला मजबूत होता है, जनता के लिए काम करने वाला मजबूत होता है। आप आज एक मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करेंगे, लाखों मनीष सिसोदिया खड़े होंगे इस देश की सड़कों पे, इस देश को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, इस देश के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहती हूं, आप याद रखिए, आप हमारे एक नेता को जेल में डालिए, आप हमारे सभी नेताओं को जेल में डालिए, लेकिन हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के चेले हैं, हम अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, और आपकी और आपकी एजेंसी से हमें डर नहीं लगता है। आप एक इंसान को जेल में डालोगे तो 10 लोग खड़े होंगे, आप 10 लोगों को जेल में डालोगे 1000 लोग खड़े होंगे, आप 1000 लोगों को जेल में डालोगे 1,00,000 लोग खड़े होंगे, लेकिन इस देश को और इस देश के बच्चों को हम एक बेहतर भविष्य दे के ही रहेंगे।